Even today, God only has brought you here to do one simple thing. और आज के दिन भी ये परमेश्वर है जिसने आपको यहाँ लाया है कि वो आपके द्वारा एक सामान्य से कार्य कराए. He's telling you today. और आज वो आपसे ये कह रहा है. Get ready for heaven. कि तुम स्वर्ग के लिए तैयार हो जाओ. He's just saying, get ready for heaven. वो बस यही कह रहा है, स्वर्ग के लिए तैयार हो जाओ. It's like what John the Baptist said. Repent, for the kingdom of God is near. ये ऐसा ही है जैसा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है. Yes, my friends, heaven is near. हाँ मेरे मित्रों, स्वर्ग जो है अति निकट है. The kingdom of heaven is so near. परमेश्वर का राज अति निकट है. If you just reach out, you can experience heaven. अगर आप थोड़ा सा हाथ बढ़ाएं तो आप स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं. And we also know that Jesus Christ is coming back very, very soon. और हम ये सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है बहुत ही जल्दी ही आने वाले हैं. We all know Jesus is coming back soon. हम सब जानते हैं यीशु जल्दी ही आने वाले हैं. But some of us think, okay, he's coming in a while. Let me just carry on having fun for now. लेकिन अनेक है जो सोचते हैं कि उसके आने में थोड़ा विलंब है, तो मैं जो कर रहा हूँ मैं अपने काम में ही यूं ही लगा रहूँ. Later on, I can ask forgiveness to Jesus and I can get close to him. I can do whatever he wants and then I'll go to heaven. और बाद में मैं प्रभु यीशु के करीब आ जाऊंगा और जो कुछ भी वो चाहता है मैं करूंगा ताकि उसके द्वारा से मैं जो हूँ स्वर्ग जा सकूँ. They take him for granted. वे उसको ऐसे ही बड़े हल्के में ले लेते हैं. You know how they get this boldness? मालूम नहीं ये साहस कैसे होता है? Because they think they're already doing whatever God wants. क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो परमेश्वर चाहता है वो पहले ही कर रहे हैं. Everything around them is Christian. और उनके चारों ओर जो कुछ भी है सब कुछ मसीही है. Everything around them is about Jesus. और उनके चारों ओर जो कुछ भी है वो सब प्रभु यीशु मसीह के बारे है. Everything going around them is about God. और उनके चारों ओर जो कुछ भी चल रहा है वह जो है वो परमेश्वर के बाबत है. So they just sit in the middle of it and they think that's it, that's enough. Everything around me is Jesus, so I'm doing what God is asking me, I'll go to heaven. तो वो जब बैठते हैं तो उनको चारों ओर देख करके ये लगता है कि मेरे चारों ओर तो जो कुछ भी चल रहा है वो सब प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, तो निश्चय ही मैं जो हूँ मैं तो आप बिल्कुल स्वर्ग जाने ही वाला हूँ. But my friends, going to heaven is something different. लेकिन मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग को जाना जो है वो एक बिल्कुल फर्क बात है. You all know what Jesus will ask us when we go to heaven. हम सब जानते हैं कि जब हम सब स्वर्ग पहुंचेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमसे क्या पूछने वाले हैं. My son, what have you brought for me? मेरे बेटे, तूने मेरे लिए क्या लाया है? What have you done for me? तूने मेरे लिए क्या किया है? Who have you saved for me? तूने किन-किन लोगों को उद्धार दिया है? Who have you talked about in my name? मेरे नाम से तुमने किन-किन लोगों से बातचीत की, उन्हें मेरे बारे बताया है? What will our answer be, my friends? मेरे मित्रों, उस समय हमारा जो उत्तर है वो क्या होगा? So just think about it. तो आप बस इसके बारे में थोड़ा सोचिए. Are you doing the will of God and doing things for God? Are you completely surrendered for Christ? क्या आप ईश्वर की इच्छा कर रहे हैं? क्या आप ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं? और क्या आप ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं? We choose to think about Jesus only in church or only in meetings or only when we pray. केवल जब हम प्रार्थना करते, सभाओं में जाते या कलीसिया में जाते हैं तो हम इस बात को चुनते हैं कि हम यीशु के बारे में सोचें। My friends, that is not surrendering yourself completely to Jesus. लेकिन मेरे मित्रों, यह जो है अपने आप को पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित करना या निछावर करना नहीं है. Let's just be aware of where we are right now. हमें इस बात के प्रति सजग होना है कि अभी जहाँ हम है वहाँ हम क्यों है. We must all be answerable to God, saying, "What have we done for Him?" और हम सब को इस बात के लिए उत्तरदायी बनना है जब हम परमेश्वर के सामने होंगे कि हमने उसके लिए क्या किया है. Every one of us can pray. हम में से हर एक जो है प्रार्थना कर सकता है. It's just talking to God. या तो परमेश्वर से बस बातचीत करना है. You can do a simple thing like that. और आप जो है ऐसा सरल सा काम निश्चय कर सकते हैं. To bring the kingdom of God on earth. कि आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को लेकर आएं. Let's be ready to go to heaven, my friend. आइए हम स्वर्ग जाने के लिए तैयार हों मेरे मित्रों. Let's get ready and let's be glad. आइए हम तैयार हों और हम आनंदित हों. We are the children of God. हम परमेश्वर के संतान हैं. And God will never let us go astray. और परमेश्वर कभी भी हमको दूर जाने या भटकने नहीं देंगे. So today let us
ask the Lord to make us right, to lead us in the right path. तो आइए आज हम परमेश्वर से ये मांग करें कि वो जो है सही रास्ते में हमारी अगुवाई करें. He can do that for us. वो हमारे लिए ऐसा कर सकते हैं. Are you ready to be burning with a passion for Christ? क्या आप तैयार हैं कि आप परमेश्वर के लिए जलन से पूरी तरह से भर जाएं? Are you ready to repay the love that he gave you, showed you on the cross? क्या आप तैयार हैं कि जो प्रेम उसने आपके प्रति क्रूस पर दिखाया आप उसका प्रतिकार करें? Such a precious life of God himself. परमेश्वर का स्वयं का इतना प्रिय और इतना अनमोल जीवन उसने दिया. He showed he loved you by giving it up. जिसे उसने अपने आप को आपके लिए बलिदान करके दिखाया है. How much do you love Jesus for that? उसके लिए आप यीशु मसीह से कितना प्रेम करते हैं मित्रों? Why don't we show him from today, my friend? क्यों ना आज से हम अपने उस प्रेम को उसके प्रति दिखाना शुरू करें प्रियो. Oh Jesus. Oh यीशु. Oh Jesus. Oh यीशु. Thank you for the plans you have for your children right now, Lord. आपका धन्यवाद प्रभु जी इन योजनाओं के लिए जो आपने अपने संतानों के लिए रखे हुए हैं. Fulfill it in the lives of every one of your children who have given themselves up to you. आपके हर एक संतान जिनने आपको पूरी तरह आपको दे दिया उनके जीवन में से पूरा करें. Holy Spirit. पवित्र आत्मा. Fill Lord. भर दे प्रभु जी. Fill Lord. भर दे प्रभु जी. Fill them completely. उन्हें पूरी तरह से भर दे स्वामी. Oh Lord, we don't want to be people doing wrong. ओ प्रभु जी हम नहीं चाहते ऐसे लोग बने जो गलत करें. We want to be holy people. हम चाहते हैं कि हम पवित्र लोग बने. We want to have your values, Lord. हम आपके मूल्यों को अपने जीवन में चाहते हैं प्रभु जी. We don't want to waste time with unnecessary things. अनावश्यक चीजों से हम अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहते. Even though it's hard for your children, Lord, change those addictions. अपने बच्चों के जीवन में उन हर एक व्यसनों को चाहे कितने कठिन क्यों आप बदल दे प्रभु. Transform them right now by the power of your Holy Spirit. इसी समय अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा से आप उनको पूरी तरह बदल दें. He has strengthened their weakness, Lord. आप उनकी कमजोरी में उनकी ताकत बने प्रभु. Give them complete liberty. और आप उन्हें पूरी तरह से आजादी प्रदान करें. Liberty. आजादी. Liberty. आजादी. Let them be the people of God. उन्हें दें कि वे परमेश्वर के लोग बन जाएं. Transform their life. उनके जीवनों को आप बदल दें. So that they can be useful to you, Lord. ताकि वे जो हैं आपके लिए उपयोगी बनने पाएं. Give us a heart of love. आप प्रेम का हृदय दें. Love for you. आपके लिए प्रेम. Love burning for you, Lord. आपके लिए एक जलता हुआ प्रेम प्रभु जी. Everyone who asks that, let them receive right now. हर एक जो उसकी मांग कर रहे हैं इसी समय आपके उस प्रेम को पाएं. Receive the love of God. परमेश्वर के प्रेम को पाओ. Receive the love of God. ईश्वर के प्रेम को पाओ. Completely filled with Jesus. पूरी तरह से यीशु मसीह से पूर्ण. Jesus, work a miracle in us right now. यीशु इसी समय हमारे अंदर एक चमत्कार करें. Jesus. यीशु. Holy Spirit. पवित्र आत्मा. Work in them, Lord. आप उनके अंदर कार्य करें प्रभु. Work in their heart. उनके हृदयों में कार्य करें. Let them start hearing your word. इसी समय से वे आपके वचन को सुनना प्रारंभ करें. Let them start hearing you speak in their heart. उनके हृदय में आपकी आवाज को सुनना शुरू करें. And let them know the right thing to do. और वो जाने कि वो क्या है जो सही और करे. Make them into a new creature today. आज ही आप उन्हें एक नई सृष्टि बना दें. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. In Jesus' name. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं. Amen. आमीन. Amen. आमीन. Sent here to die.